एमओ डायग्राम ऑफ ओ2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के दो एटम्स जब मिलेंगे तो ऑक्सीजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनेगा। ओ एटॉमिक नंबर होता है 8, 1s2, 2s2, 2p4। दो एटम्स हो जाएंगे ओ2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 × 2 इज इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन्स। एक तरफ ओ, दूसरी तरफ ओ, और बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओ2 मॉलिक्यूल। ये पैटर्न है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है, तो 15 से ज़्यादा वाला जो पैटर्न है वो अप्लाई किया जाएगा। पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 1s2, 1, 2, 2s2, 3, 4, p4, 1, 2, 3। हुंस रूल के हिसाब से सब में एक एक हो गए, अब पेयरिंग होगी 4। तो ये ऑक्सीजन हो गया। दूसरा ऑक्सीजन भी इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 8 + 8 इज इक्वल टू 16। इन 16 इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में भरेंगे। 1, 2 सिग्मा 1s2, 3, 4 सिग्मा स्टार 1s2, 5, 6 सिग्मा 2s2, 7, 8 सिग्मा स्टार 2s2, 9, 10 सिग्मा 2pz2, 11, 12, 13, 14 सिग्मा 2px2, पाई 2px2, पाई 2py2, देन 15, 16 पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1। तो इस तरह से अगर हम यहाँ देखते हैं कि टोटल 16 इलेक्ट्रॉन इसके फिलअप हो गए, और पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका जो बिहेवियर होगा मैग्नेटिक बिहेवियर पैरा मैग्नेटिक होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। 1/2 NB - NA, NB सिग्मा 1s2 2, सिग्मा 2s2 2 4, सिग्मा 2pz2 6, पाई 2px2, पाई 2py2 4 इलेक्ट्रॉन्स, 10। सो 10 लिख लिया। माइनस सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। 10 - 6, 10 - 6 इज इक्वल टू 4, उसका हाफ कर देंगे 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। इस तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2, और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया पैरा मैग्नेटिक। नाउ कैलकुलेट मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। N2 का मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3। N2 मॉलिक्यूल 7 × 2 इज इक्वल 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी तरह से लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन लिख लिया, राइट साइड में नाइट्रोजन लिख लिया, और सेंटर में N2 मॉलिक्यूल लिख लिया। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, तो दूसरा वाला पैटर्न जो बताया था वो यूज करेंगे, जिसमें पाई 2px पाई 2py की एनर्जी लोअर है और सिग्मा 2pz की एनर्जी हायर है। 1/1 पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के। दूसरे नाइट्रोजन के 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, दोनों तरफ 7 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हो गए। अब बीच में 14 इलेक्ट्रॉन भरना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, टोटल हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया जाए, एन बी माइनस एन ए, एन बी में 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 हो गया। एन ए स्टार वाला 2, 2 4, 10 माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का आ गया 3 और सब जगह दो दो इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर डायमैग्नेटिक।